नमस्कार, स्वागत है आपका द इनसाइड स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ शीरी। आज इनसाइड स्टोरी में दिखाएंगे एक दांव कई चुनाव। तो 8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी शो में आप जानने वाले हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास हो गया है। महिला आरक्षण के बड़े दाव से क्या पीएम मोदी ने वोट का पक्का इंतजाम कर लिया है, इसकी इनसाइड स्टोरी होगी। साथ ही आखिर महिला आरक्षण की राजनीतिक लड़ाई में जाति का कार्ड क्यों और कैसे आ गया, यह भी आपको बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले बात महिला आरक्षण वाले गेम प्लान की करते हैं कि क्या पीएम मोदी ने इसके जरिए कई बरसों के लिए एक बड़ा वोट बेस तैयार कर लिया है। क्या इस बिल के जरिए कई चुनावों की जीत की बुनियाद रख दी गई है। बीजेपी सरकार ने माताओं बहनों बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, हमने इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज देने का काम किया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। पहले महिलाओं के लिए अनगिनत योजनाएं और अब महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें रिजर्व करने का बिल। क्या पीएम मोदी ने अगले 10 साल के लिए वोटों का पक्का इंतजाम कर लिया है? क्या पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल के जरिए एक मजबूत वोट बैंक खड़ा कर लिया है? ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का। तो एक तरफ महिलाओं के लिए सोशल सिक्योरिटी वाली योजनाएं और अब उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण बिल। आखिर मोदी सरकार के इस बड़े दांव के पीछे कौन सा बड़ा फैक्टर है? क्या मोदी सरकार चुनाव में महिला वोटरों के मिजाज को अच्छी तरह से पहचान गई है? दरअसल महिला वोट किसी चुनाव में किसी पार्टी की जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका अदा करने लगे हैं। महिला वोटर्स के इस मिजाज की एक झलक पिछले 2 लोकसभा चुनाव पर CSDS लोक नीति के सर्वे में मिलती है, जिसके मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% तो कांग्रेस को 19% महिला वोट पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महिला वोटों की तादाद बढ़कर 36% हो गई, जबकि कांग्रेस को 20% महिला वोट मिले। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी के महिला वोट बेस में 7% का उछाल आया। युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। लेकिन मोदी पर महिला वोटर्स का बढ़ता भरोसा यूं ही नहीं है। इसके लिए मोदी सरकार ने बड़े लेवल पर काम किया है, जिसकी झलक दिखती है मोदी सरकार की योजनाओं में। मसलन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें लाभार्थियों की संख्या 9.59 करोड़ है। पीएम आवास योजना, जिसमें दिए गए 69% घरों पर या तो अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं का मालिकाना हक है। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें लगभग 2.73 करोड़ खाते खुले और लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। 3 तलाक कानून, 4 साल पहले ये कानून लाकर मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के वोट में पैठ बनाई। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को वित्तीय मदद दी जाती है, जिसमें लाभार्थी महिलाओं की संख्या 3.32 करोड़ है। मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसका लाभ उठाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आज भारत में महिलाओं का
सक्रिय योगदान नजर आ रहा है। ये अपने आप में मैं समझता हूं उनके परिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ्य को प्रकट करता है। इस तरह की कई योजनाओं की सौगात देकर पीएम मोदी ने महिला वोट का एक मजबूत बेस तैयार कर लिया और अब उसी के दम पर वो तीसरी पारी की तैयारी में है। महिला वोट कितनी ताकत रखता है इसकी झांकी पिछले दो लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि कई विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली है। ऐसा ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी को महिलाओं का ज्यादा वोट मिला है राज्यों में उसकी ही सरकार बनी है। इसकी तस्दीक करता है सीएसडीएस लोकनीति का चुनाव के बाद का एक सर्वे जिसके मुताबिक 2022 के यूपी चुनाव में 46% महिला वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया योगी सत्ता में लौटे। 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया ममता सत्ता में लौटी। 2020 के दिल्ली चुनाव में 60% महिला वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया केजरीवाल की वापसी हुई। यानी जिसके साथ महिला वोट उसकी सरकार बनना तय। महिला आरक्षण बिल लाते समय शायद ये ट्रेंड पीएम मोदी के जहन में भी रहा होगा, इसलिए विपक्ष अब मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है कि कानून अमल में कब आएगा। कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए। हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। यह जुमला है सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। मोदी सरकार से ये सवाल पूछने के पीछे विपक्ष का अपना गेम प्लान है। इस बात की गवाही तो इलेक्शन कमीशन के डेटा भी देते हैं कि वोट देने के मामले में महिलाएं अब पुरुषों से आगे। 2014 से 2023 के बीच 51 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन 51 विधानसभा चुनाव में से 37 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 67.01% पुरुष वोटरों ने वोट किया तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 67.18% रहा। यानी महिला वोट चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित होता रहा है। इसलिए महिला आरक्षण बिल पर कुछ शर्तों के साथ हर दल सहमत है। हालांकि असल सवाल यह है कि बिल की बाधा तो पार लेकिन अभी कितना इंतजार। देखिए महिला आरक्षण की लड़ाई 27 साल बाद उस मुकाम पर है जहां से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का सपना सच होने वाला है। विपक्ष खुद इसका श्रेय ले रहा है लेकिन श्रेय लेने की इस होड़ के बीच विपक्ष ने महिला आरक्षण में नया नुक्ता जोड़ दिया है। विपक्षी नेता आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये मांग बहुत सीधी रखती है लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो 2024 की लड़ाई से है। ये जुमला है सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। ओबीसी वुमेन्स गेट देयर रिजर्वेशन। ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। देश की ओबीसी वर्गों की महिलाओं का भी आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। जाति 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 27 साल की लड़ाई के बाद देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात आगे बढ़ी है। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाला विपक्ष बिल के समर्थन की बात तो कर रहा है लेकिन उसमें भी इफ एंड बट है। महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए आज पास कीजिए। सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। आखिर जिस बिल को विपक्ष अपनी उपलब्धि बता रहा है अपनी कामयाबी बता रहा है इसी बिल में विपक्ष जाति वाला विवाद क्यों ले आए। विपक्ष आरक्षण में आरक्षण की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है। आखिर महिला आरक्षण की राह में विपक्ष ओबीसी वाला रोड़ा क्यों अटका रहा है।
ये सवाल बड़ा है और इस सवाल को ऐसे समझिए कि चंद ही महीनों में 5 राज्यसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव। महिला आरक्षण में जाति का राग छिड़ करके विपक्ष उस बड़े वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है जो सत्ता के समीकरण को बना और बिगाड़ सकता है। महिलाओं के अधिकार वाले बिल में भी विपक्ष चुनावी फायदा वाला एंगल तलाश रहा है और इसके लिए विपक्ष ने मुद्दा बनाया है महिला आरक्षण बिल में आरक्षण। जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले विपक्ष की नई सुई जाति के एजेंडे पर आकर क्यों अटक गई? दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एससी महिलाओं के लिए आरक्षण है, एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण है, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। विपक्ष नौकरियों में आरक्षण की तरह ही लोकसभा और विधानसभाओं में भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण चाहता है। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है कि लागू तो करेंगे नहीं। हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे ही डिमांड किए। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ने महिलाओं के हित के लिए फैसले वाली ऐतिहासिक घड़ी में ओबीसी वाला नुक्ता क्यों अड़ा दिया? इसे समझने के लिए पहले ओबीसी वाली सियासत को समझना होगा। देश की आबादी में ओबीसी 52% है। देश में ओबीसी समाज की करीब 2000 से ज्यादा जातियां हैं। 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से ज्यादा सीटें आती हैं। 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ओबीसी वोट असरदार है और इसी ओबीसी वोट बैंक पर विपक्ष की नजर है। आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का कोर वोटर ही ओबीसी का वोटर रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों के मजबूत होने से पहले इसी ओबीसी वोटर के समर्थन की बदौलत कांग्रेस देश पर एक छत्र राज करती रही है। लेकिन धीरे धीरे इस वोट बैंक पर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट मिला। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट और कांग्रेस को 15% ओबीसी वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले, वहीं कांग्रेस को महज 15% ओबीसी वोट से संतोष करना पड़ा। अब महिला आरक्षण पर भी बीजेपी विपक्ष के ओबीसी वाले दांव को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। ओबीसी की ताकत को पहचानते हुए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत MBBS और MD के दाखिले में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी के बच्चों को 27% आरक्षण दिया। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। IIT में गरीब ओबीसी छात्रों की ट्यूशन फीस पूरी माफ की। इन योजनाओं से ओबीसी समाज के बीच बीजेपी की पकड़ और मजबूत हुई। आप शायद या तो ये चाहते होंगे कि ये टेक्निकल चीजों में ये बिल फंस जाए, इस बिल को हम फंसने नहीं देंगे। अब आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। विपक्ष ओबीसी के बीच बीजेपी की मजबूती के संकट को बखूबी जानता है। विपक्षी दिग्गज मानते हैं कि अगर ओबीसी इसी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा रहा तो बीजेपी को 2024 में भी टक्कर देना मुश्किल होगा। इसलिए बिहार में जातियों की गणना की कवायद शुरू हुई। विपक्षी नेता अब राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। इसी लाइन को फॉलो करते हुए विपक्ष अब आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रहा है। दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे के खिलाफ अब विपक्ष ने खेमा खोल दिया है। इसी आधार पर विपक्ष हिंदुत्व के नाम पर एकजुट हुए वोटरों को जाति के नाम पर बांट करके अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष के लिए ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपना ओबीसी नेतृत्व भी बनाया। मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी हैं, बीजेपी के 113 सांसद ओबीसी। अब तक बीजेपी के 68 सीएम बने हैं, उनमें से 21 ओबीसी समाज से रहे। यानी बीजेपी ने ओबीसी के लिए सिर्फ चुनावी वादे ही नहीं किए, जमीन पर काम भी किया, ओबीसी को राजनीतिक नेतृत्व भी दिया। इससे हिंदुत्व प्लस जाति विनिंग कॉम्बिनेशन बना। इसी कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए विपक्ष महिला आरक्षण में भी आरक्षण वाला मुद्दा उठा रहा है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।